तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे जेठालाल। हाँ मेहता साहब। तुम अब तक दुकान नहीं गए? नहीं बस निकल ही रहा हूँ। निकल ही रहे हो तो कंपाउंड से बाहर जाने का रास्ता इस तरफ है, इस तरफ कहाँ जा रहे हो? घर पे, घर से वो पर्स और रुमाल लेके बस निकल ही रहा हूँ। सिर्फ पर्स और रुमाल ही नहीं, जूता पहनना भी भूल गए हो तुम। अरे मैं कुछ भूला नहीं हूँ मेहता साहब। क्या कुछ नहीं भूला? पर्स और रुमाल भूल गए ये तुमने खुद कहा, और जूता पहनना भूल गए ये तुम्हें याद ही नहीं। अरे ऐसा नहीं है मेहता साहब, दरअसल क्या हुआ, मैं बालकनी में खड़े होके वो तुरंत दादा को रोज की तरह जल अर्पण कर रहा था। इतने में मैंने क्या देखा कि अय्यर भाई बारगाम वाली बैग लेके कहीं जा रहे। क्या? हाँ, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा नीचे आया उनको रोकने। तो अय्यर रुका कि नहीं? हाँ और नहीं। अरे हाँ कि नहीं? नहीं मतलब पहले वो रुके, फिर उन्होंने बाहर जाने का कारण बताया और फिर निकले। तो तुम्हारे साथ हवलदार कौन बनेगा? अय्यर भाई वो वापस आ रहे हैं। क्या बोल रहे हो तुम? अरे बारगाम वाली बैग लेके अय्यर भाई बारगाम नहीं जा रहे हैं, वो तो अपने गोरेगांव में ही है। बारगाम वाली बैग लेके बबीता जी बारगाम जा रही है कोलकाता, तो अय्यर भाई उनको एयरपोर्ट छोड़ने गए, वो वापस आ जाएंगे। ऐसा जल्दी से घर जाओ और पर्स और मोबाइल लेके निकलो। नहीं मोबाइल तो है। अरे भाई जो भी भूल गए वो लेके निकलो। तुम निकलोगे उसके बाद ही हम निकल पाएंगे ना। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग। तो कंपाउंड में क्या कर रहा है? अरे सुविचार लिखने आया हूँ भाई। अच्छा, और फिर सुविचार लिख के क्या करेगा? मस्त अभी की नींबू खरीदने जाऊंगा। दादर? दादर क्यों जाऊंगा मैं? वहाँ सस्ता मिलता है ना होलसेल में। हाँ वो बराबर है, लेकिन वहां जाने से जितने पैसे बचेंगे ना जेठालाल, उससे डबल तो पेट्रोल में जाएंगे। हाँ मुझे लगा है नींबू सस्ते भाव में मिलने की खुशी में तो इतना खुश है। नहीं नहीं नहीं, मेरी खुशी की वजह तो वो सोने की चेन है जो माधवी ने उसकी मेहनत की कमाई से सोनू के लिए खरीदी। सच में जेठालाल मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे माधवी जैसी होशियार पत्नी मिली। नहीं होशियार तो है पर क्या देखना ये कि वो भाग्यशाली है कि नहीं। क्या मतलब? अभी ये जो चेन 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 का क्या? चेन माधु भाभी ने खरीद के तुझे जो सरप्राइज दी है, तुझे भी उनका कोई सरप्राइज देनी चाहिए ना। हाँ तो देने वाला हूँ ना मैं। अच्छा क्या जेठालाल, वो सरप्राइज है ना, मैं कैसे बताऊँ? अब सरप्राइज तो माधवी भाभी के लिए है ना, मैं माधवी भाभी थोड़ी हूँ, मुझे तो बता ही सकता है। बता बता। हेलो। अरे जेठालाल कितना टाइम पास कर रहे हो, ब्रेक के साथ निकलो जल्दी। हाँ हाँ मैं निकल ही रहा हूँ। हाँ ओके, सॉरी भाई मैं तेरी सरप्राइज नहीं सुन सकता, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे ऐसे क्या करो जेठालाल, सुन के जाओ ना सरप्राइज। बोल बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। हाँ तो सरप्राइज ये है। जल्दी बोल ना भाई। मैं जो सरप्राइज देने वाला हूँ वो मैं नहीं बताऊंगा। अरे यार। अरे हाँ निकल गया भाई। अरे फोन उठा के तो बोलो। नहीं नहीं वो मेरी आवाज पहुंच गई, जिसको सुनना था उन्होंने सुन लिया।